हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? आई थिंक अच्छे हो गए. आई थिंक आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी. सो बेसिकली क्या है, आपने यहाँ पर थंबनेल देख लिया होगा कि मेरे पास ज़्यादातर रिक्वेस्ट आ रही थी कि हेडक्वार्टर्स पे कोई एक सेशन रख ले. सो आज मैं आपके लिए हेडक्वार्टर्स की लोकेशन लेके आया हूँ जो ज़्यादातर एग्ज़ाम्स में पूछी जाती हैं. और ये जितने भी हेडक्वार्टर्स हैं ये ज़्यादातर मोस्ट डिमांडेड रहते हैं एग्ज़ाम्स में, ज़्यादातर पूछे जाते हैं. सो पहला रहा आपकी स्क्रीन पर, वो आ रहा है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल. सो देखते हैं इसका हेडक्वार्टर कहाँ है. ये इसका हेडक्वार्टर है बर्लिन, जर्मनी. आगे चलते हैं दोस्तों, अगला है APEC. सो इसकी फुल फॉर्म होती है, पहले तो फुल फॉर्म आपको पढ़ना है और याद करना है. सो फुल फॉर्म है एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन. सो इसका हेडक्वार्टर है सिंगापुर में. आगे चलते हैं दोस्तों, अगला है एशियन. इसकी फुल फॉर्म आती है एसोसिएशन ऑफ साउथ एशियन, साउथ ईस्ट एशियन नेशन. सो इसका हेडक्वार्टर है जकार्ता. आगे चलते हैं, अगला है सार्क. इसकी फुल फॉर्म आती है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन. सो इसका हेडक्वार्टर है काठमांडू में. आगे चलते हैं, अगला है नाटो. यह है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन. सो इसका हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स बेल्जियम. सो द नेक्स्ट इज FAO, दैट इज़ अ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन. सो इसका हेडक्वार्टर है रोम, इटली. आगे चलते हैं, अगला है ICJ, दैट इज़ अ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस. यहाँ पर डबल टी लगा है, आप लोग स्पेलिंग्स पे ना जाएं तो बेटर होगा. मैं आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ जो आपको हेल्प करती है एग्जामिनेशन में. आगे चलते हैं, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, इसे पढ़ते हैं IMO. सो यह है लंदन, UK. एंड द नेक्स्ट इज कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन. सो दिस इज लंदन, UK. दिस इज ऑल्सो फ्रॉम लंदन, UK. आगे चलते हैं MSG इंटरनेशनल, ये भी जो है ये भी लंदन में ही है. आगे चलते हैं दोस्तों, अगला है UNFPA, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड. इसको याद करने का तरीका ये है कि आप उसको पूरा याद ना करें, सिर्फ पॉपुलेशन फंड के दिमाग में बना लें और इसका हेडक्वार्टर याद कर लें कि जो जगह है वो है न्यूयॉर्क, USA. आगे चलते हैं, अगला है यूनिसेफ, दैट इज़ अ यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड. सो इसको ऐसे याद करें जैसे चिल्ड्रन फंड, और रिमेंबर कर लें कहाँ पर है, यह न्यूयॉर्क, USA में है. आगे चलते हैं, अगला है UNO, दैट इज़ ये आप लोग जानते ही होंगे, ये बहुत हाईलाइटेड रहता है. सो इसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन. सो इसका है न्यूयॉर्क, USA. ये जितने भी चल रहे हैं सेम आगे पीछे चल रहे हैं, मीन्स न्यूयॉर्क, USA के आगे पीछे ही हैं. आगे चलते हैं, अगला है UNESCO. इसकी फुल फॉर्म आती है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन. सो इसका आता है पेरिस, फ्रांस. तो इसको ऐसे याद करें कि एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चर, तीन वर्ड ले लें यहाँ से, एक एजुकेशन ले लें, एक साइंटिफिक ले लें, कल्चर ले लें, उसको दिमाग में एक माइंड में जो है टाइप कर लें पेरिस से. आगे चलते हैं, अगला है UNIDO, दैट इज़ यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन. सो यह है विना, ऑस्ट्रेलिया. जितने भी एनर्जी और इंडस्ट्रीज से रिलेटेड होते हैं वो ऑस्ट्रेलिया में हैं, जैसे एटॉमिक एनर्जी हो गया, और अभी आप आगे देखेंगे जो ज़्यादातर जो इंडस्ट्रियल से रिलेटेड है वो ऑस्ट्रेलिया में है, ऑस्ट्रिया. ठीक है, दिस इज विना ऑस्ट्रिया. सो आगे है OPEC, दैट इज़ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज. ये भी एनर्जी से रिलेटेड है. सो ये भी विना ऑस्ट्रेलिया में है, ऑस्ट्रिया, सॉरी इट्स ऑस्ट्रिया. ठीक है, सो इसका भी हेडक्वार्टर ऑस्ट्रिया में है. आगे चलते हैं, अगला है IAEA, दैट इज़ इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी. ये भी एनर्जी से रिलेटेड है, ये भी विना ऑस्ट्रिया में है. एंड द नेक्स्ट इज, इसको आप ऐसे पढ़ें, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट. सो इसका है जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड. अब जितने भी आएंगे ज़्यादातर स्विट्ज़रलैंड के आएंगे, ज़्यादातर जो भी हेडक्वार्टर्स हैं वो जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में ही हैं. आगे चलते हैं, अगला है ICRC, दैट इज़ इंटरनेशनल कमिटी ऑफ रेड क्रॉस. सो इसका है जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड. अगला है ISO, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन. सो ये भी जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में है. आगे चलते हैं, आगे है ILO, दैट इज़ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन.
सो ये भी आपका जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। आगे है WIPO वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, दिस इज ऑल्सो फ्रॉम जिनेवा स्विट्जरलैंड। एंड द नेक्स्ट इज WMO दैट इज वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, दिस इज ऑल्सो इन जिनेवा स्विट्जरलैंड। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला है WHO, ये भी ही देखते हैं कहाँ से है, ये भी जिनेवा स्विट्जरलैंड से है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। जैसा कि मैंने कहा, कितने भी ज़्यादातर हेडक्वार्टर्स हैं वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में ही हैं। आगे चलते हैं, सॉरी दिस इज लास्ट, दिस वन सेशन आपको अच्छा लगा है, अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल, और हमें बताएं आगे कौन सी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए जो आपको हेल्प कर सकती है आपके एंट्रेंस क्लियर करने में, हम ज़रूर आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। हमें भी सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके आपको प्रोवाइड करना होती हैं। सो आई होप आज का इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी है, अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर टुडे।